हमें काफी कंप्लेंट्स मिली जो रैश ड्राइविंग करी जा रही थी रोड के ऊपर, और कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें कि काफी रैश एक्ट था ऑन द पार्ट ऑफ वन बस ड्राइवर, जिसका पुलिस ने कॉग्निजेंस लेके चालान भी किया है और लाइसेंस रद्द करने की भी रिकमेंडेशन दी है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए, इनको सख्ती से इनके ऊपर नज़र रखने के लिए पुलिस ने एक अभी स्पेशल अभियान चलाया है। जो हमारे प्रॉबेबल रूट्स हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जहाँ पे बसेस चलती हैं, वहाँ के कंसर्न थाने वालों को इन रैश नेगलिजेंट ड्राइविंग के अगेंस्ट चेक रखने के लिए डायरेक्शंस दी गई हैं, और एक स्पेशल कैंपेन जो है अभी कमिंग डेज में शुरू हो चुका है एंड विल गो ऑन फॉर अनदर 2 वीक्स। कैंपेन में मोर फोकस्ड ऑन एक्शन ऑल्सो, क्योंकि जागरूकता तो हम लोग टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं, बट हम ये बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी की, इट कैन बी फेटल ऑल्सो, किसी की जान भी जा सकती है किसी तरह की नेग्लिजेंस से। तो जागरूकता भी रहेगी और एक्शन पे भी फोकस रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेशनल हाईवे है जहाँ पे ज़्यादा बसेस चलती हैं और जहाँ ज़्यादा स्कोप है फास्ट चलने का या ओवरटेकिंग का, तो ये हमारा सदर थाना है। जैसे बल का कुछ एरिया पड़ता है बीच में, 4 लेन का सुंदरनगर सब डिविजन जो हमारी है उसका एरिया पड़ता है। तो इन थानों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अपील सभी से ये रहेगी कि जब हम रोड पे चलते हैं वी हैव टू टेक केयर, स्पेशली अगर कोई कमर्शियल व्हीकल या पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल चला रहे हैं, उसमें सिर्फ ड्राइवर ही नहीं उसके साथ को पैसेंजर्स इतने सारे बैठे होते हैं, उन सबकी लाइफ जो है वो ड्राइवर के हाथ में होती है, उसकी सेफ ड्राइविंग के हाथ में होती है। और उसके अलावा फिर जो सड़क पे लोग चल रहे हैं, कोई पैदल है, कोई 2 व्हीलर में है, 4 व्हीलर में है, सो जो ड्राइवर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप सबसे ये अपील रहेगी कि आप सेफ चलाएं, देर इज़ नो रश, देर इज़ नो हरी। अभी तो फॉर्चुनेटली हमारी सड़कें इतनी, अब हमारा 4 लेन है यहाँ पे, सड़कें अच्छी हैं, सो देर इज़ नो नीड टू रश एंड इनअप्रोप्रिएटली ओवरटेक। तो आप सेफली चलाइए ताकि आपकी भी और बाकी की भी जो लाइफ है वो सुरक्षित रहे। देखिए, ड्रंकन ड्राइविंग जो है कंटिन्यूस न्यूसेंस है, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत मिसहैपनिंग्स भी होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इनफैक्ट पूरे स्टेट में हिमाचल पुलिस द्वारा जो है ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, जिसमें हमारे ज़िले के सभी थानों ने एक एग्रेसिवली कह सकते हैं आगे आके ड्रंकन ड्राइवर्स को जो है वो चेक किया कि ड्रंकन ड्राइविंग कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इस दौरान हमें 176 वायलेशंस जो है वो मिली, और 68 ऐसे चालक हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिलेशन के रिकमेंड किए गए बिकॉज वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। और डिटेंशन भी हमने किए इस दौरान, 66 लोगों को डिटेन किया हुआ और इन ड्रंकन कंडीशन एंड कुड नॉट ड्राइव देयर व्हीकल्स। तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि हम लोग, आप लोग जो गाड़ी चलाएं वो किसी भी तरह के नशे की नशा करके ना चलाएं और सेफली गाड़ी चलाएं।